हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो दिवाली की सफाई आई थिंक सबके यहाँ हो चुकी होगी, और दिवाली की सफाई के बाद अब बारी है हमारे फेस की सफाई की, क्योंकि सफाई में जितनी ज़्यादा डस्ट है जो हमारी स्किन में जाती है, और अगर आप उसकी बहुत अच्छे से सफाई नहीं करेंगे, क्लीन अप नहीं करेंगे, तो पिंपल्स की प्रॉब्लम आएगी, दाग पड़ेंगे, और जो देखने में काफ़ी बुरा लगेगा। और ड्राई स्किन वालों के साथ ये टीसी हो जाएगी। तो आज मैं बहुत ही अच्छा डीआईवाई क्लीन दो स्टेप में मिनी फेशियल आप बोल लीजिए या फेस मास्क लेके आई हूँ, या छोटा सा जो क्लीनअप होता है वो लेके आई हूँ। घर की चीज़ों से काफ़ी अच्छा ग्लो आएगा, आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि उसका रिजल्ट कितना इंस्टेंट है, कितना अच्छा सा आता है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके बगल में जो बेल आइकन लगी उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सकें। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस स्क्रब को बनाने के लिए, क्योंकि मैं इसे दो स्टेप में करूँगी, तो फर्स्ट स्क्रब बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं चावल का आटा ले रही हूँ। आप ना अगर चावल का आटा हो तो आप घर में राइस को पानी में भिगो के उसे पीस लीजिए, और बहुत थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। ये बहुत अच्छे से क्लीन करेगा आपके फेस को, जितनी भी डीप क्लीनिंग करेगा, जितनी भी गंदगी या डस्ट गई है उसे बहुत तेज़ी से निकालेगा। और पिंच ऑफ टर्मेरिक ले रही हूँ, तीन ही चीज़ें काफ़ी हैं। इसके बाद मैं इसमें पानी मिला के इसे एक पेस्ट बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा आप इसे पतला मत करिएगा, थोड़ा सा मोट, मतलब कि हल्का सा वैसा ही रखिएगा। ज़्यादा पतला कर देंगे तो आपके फेस पर टिकेगा नहीं, तो थोड़ा सा थिक ही फॉर्म में रहने दीजिएगा। और बेकिंग पाउडर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपके डीप क्लीनिंग करे, फेस की अंदर की जितनी भी डस्ट चली गई है, और फेस को एक शाइन दे, और स्क्रब का बहुत अच्छा वर्क करेगा। ऐसे ही रखिएगा इसका जो पेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा रनिंग उसमें नहीं होना चाहिए, वरना तो क्योंकि अगर आप ऐसे उसमें फॉर्म में नहीं रखेंगे तो ये बहेगा आपके फेस से। तो अब आपको इसे अपने फेस पे लगाना है, तो देखिए बिल्कुल भी बह नहीं रहा है, रनिंग फॉर्म में नहीं है। पूरे फेस पे लगाइए, और इसके बाद बहुत ही जेंटल हैंड से, यानी कि लाइट हैंड से मसाज करनी है, जस्ट लाइक जैसे आप स्क्रब करते हो। तो ये बहुत अच्छे से स्क्रब है, क्योंकि चावल का आटा भी दरदरा है, और जो बेकिंग सोडा मैंने डाला है वो आपकी डीप क्लीनिंग करेगा, जैसे आप अपने अपने घर की डीप क्लीनिंग की है, तो ये डीप से भी डीप क्लीनिंग करेगा। ये हर स्किन वाले लगा सकते हैं, हर स्किन टाइप वाले, इवन जिनको पिंपल्स प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले, बहुत तेज़ी से ऑयल को अंदर से खींचेगा, जिनको भी ऑयल की प्रॉब्लम है फेस पे। तो इसके बाद आपको बहुत ही लाइट हैंड से इसे मसाज करना है, 2 to 3 मिनट, 4 मिनट तक आप मैक्सिमम कर सकते हैं। धीरे धीरे हाथों से मसाज करिए, जस्ट लाइक फेशियल स्टेप में जो बताती हूँ, ऊपर के उसमें, मतलब नीचे के उसमें मत करिएगा, और बहुत अच्छे से मसाज करिए। उसके बाद मसाज, यानी 4 to 5 मिनट मसाज करेंगे, उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से पानी को उससे धो लेना है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि आपको पैक कैसे रेडी करना है। बहुत अच्छे से वॉश करना है, तो चलिए पैक बनाना स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि उसे कैसे बनाना है और कैसे वो हमारे चेहरे पर रुक जाए। तो पैक बनाने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले सैंडलवुड ऑयल, यानी कि चंदन का पाउडर लूँगी। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फेस की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की है। तो मैं यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून शहद लूँगी, और एक टमाटर लग जाएगा। पहले मैंने सोचा था 1/2 टमाटर लगेगा, लेकिन पूरा एक टमाटर इसमें यूज़ हो जाएगा। तो एक टमाटर डाल के इसे आपको पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा रनिंग उसमें मत रखिएगा वरना फेस पे नहीं रुकेगा। तो आपको इसे बनाना है और जैसा मैंने बताया है वैसे अप्लाई करना है। तो आपको, क्योंकि फेस आपका क्लीन है, तो इसे आपको अप्लाई करना है। 10 मिनट लगेगा सूखने में, उसके बाद आपको इसे अपने नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश करना है। तो
और मेरा फेस जो है बहुत अच्छे से ड्राई हो गया, तो अब मैं धो के फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने फेस को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, किसी भी क्लीन कपड़े से फेस को पोछिए और आप इंस्टेंट ग्लो देख सकते हैं कि इसका जो है बिल्कुल लाइव आया है। आपको स्किन मॉइस्चराइज भी हुई है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल टच करके भी दिखा रही हूँ। देखा कितना इंस्टेंट मिनी फेशियल मिनी क्लीनअप था और हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। अपने फेस को जगमगाइए, जैसे कि पूरे हर घर जगमगा रहा है, जैसे सबके घर चमचमा रहे हैं सफाई के साथ, लाइटिंग के साथ, वैसे आप भी अपना फेस चमकाइए और इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो लाइक करके मुझे बताइए कि हाँ आपको वीडियो पसंद आया। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।